तो गाइज आज हम सूजी और मक्के का नाश्ता बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया। तो इसके लिए हम 1 कप सूजी ले लेंगे, इसमें हम 1 बड़ा चम्मच दही डालेंगे, एक चौथाई चम्मच नमक डालेंगे, नमक हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, थोड़ी सी हम लाल मिर्च डालेंगे, तो गाइज मेरे पास ये पिज्जा मेयोनीज है, तो गाइज मेरे पास ये पिज्जा सीजनिंग है, तो पिज्जा फ्लेवर का बनाएंगे तो इसको डाल देंगे, अदरवाइज हम कोई भी फ्लेवर का बना सकते हैं। ये देखिए सांभर फ्लेवर का बना सकते हैं तो सांभर डाल देंगे, और पाव भाजी फ्लेवर का बनाना है तो थोड़ी सी आधा चम्मच हम इसमें ये मसाले कोई भी डाल देंगे। अगर आपके पास कोई भी मसाला नहीं है तो आप सिंपल बना सकते हैं। और गाइज ये देखिए मैंने ये ताज़ा मक्का आती है जो इसको ले लिया था, और इसके दाने अलग निकाल लिए हैं, इस तरह से चाकू से काटा मैंने इसको, तो ये बारीक भी हो गया। तो ये देखिए गाइज एक छोटा प्याज डाल देंगे हम इसमें, थोड़ी सी बीन्स हैं ये डाल देंगे, और ये मक्का डाल देंगे हम इसमें 50 ग्राम के करीब, अगर ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा डाल लेंगे। शिमला मिर्च डाल देंगे, 50 ग्राम ही शिमला मिर्च है, और ये टमाटर है, एक टमाटर था ये, तो इसको डाल लेंगे, और गाइज इनको हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा दही और डालेंगे, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, इसको गाढ़ा गाढ़ा ही रखेंगे, ये नाश्ता हेल्दी होता है। ये देखिए कितनी सारी सब्जियां हमने इसमें डाल दी हैं, और बच्चे भी इसको बड़े पसंद करके खाते हैं, तो सब्जियों से हम सूजी का टेस्टी नाश्ता बना सकते हैं इस तरह से, और सूजी हमें अच्छी तरह से डाइजेस्ट भी हो जाती है। तो गाइस इसको हमने अच्छी तरह से मिला लिया है, अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे, तो 10 मिनट के लिए रख देते हैं इसको। सूजी को हमने 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रखा था, और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया, और गाइस ये फूल कर थोड़ी सख्त भी हो गई, थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसमें हम, और तवा चढ़ा देंगे, थोड़ा मिक्स करेंगे 1-2 मिनट के लिए, सूजी में हम थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे, तो ये सिर्फ 2 चुटकी मीठा सोडा डालेंगे हम इतनी सूजी में, तो इसको मिक्स कर लेंगे, पूरी तरह से मिक्स होने के बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो तवा हमारा गर्म हो गया गाइस, ये नाश्ता बहुत कम तेल में बनता है, तो थोड़ा सा तेल डालेंगे, और गैस को बिल्कुल सिम करेंगे, और इसको फैला देंगे,
ऊपर से थोड़ा सॉस डालेंगे। और इसको थोड़ी सी मीडियम आंच पर हम ढककर पकाएंगे। इसको हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो गाइस 3 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट हो गए हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। और साइडों में थोड़ा थोड़ा हम घी लगाएंगे। इस नाश्ते को हम घी या रिफाइंड किसी के साथ भी बना सकते हैं और बहुत कम लगता है। ये देखे गाइस बहुत अच्छा पीछे से सिक गया हमारा। अब हम पलट कर दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। और थोड़ा सा घी लगाएंगे उधर को भी। तो इसको ढककर 1 से 1.5 मिनट तक और सेकेंगे। तो गाइस देख लेंगे हम दूसरी तरफ से भी ये सिक गया है कि नहीं। तो ये देखिए गाइस बहुत अच्छा हमारा दूसरी तरफ से भी सिक गया है। तो इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए गाइस हमारा ये जो सूजी और मक्के का नाश्ता था ये बन गया है। इसको हम चीला नाम दे सकते हैं। और सूजी मक्के की ऑमलेट भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये देखिए गाइस कितना अच्छा हमारा चीला बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से आप घर पर इसे ट्राई ज़रूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।